अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एनजीटी 101 का हम मॉड्यूल 10 का लेक्चर जो है हमारा 88 टॉपिक उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे डेप्रिसिएशन मेथड्स एंड डेप्रिसिएशन रेट। तो स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन मेथड। डेप्रिसिएशन मेथड जो है हमारे पास वो 5 तरह के होते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड है हमारे पास। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम क्या करते हैं, सपोज अब डेप्रिसिएशन को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। तो हम इन पांचों मेथड के लिए उसी एग्जांपल को नेक्स्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल ये है कि एक आप कार बाय करते हो। ठीक है, एक आप कार बाय करते हो जिसको आप लेते हो 10 लाख में। ठीक है, 10 लाख में आप उसको क्या कर रहे हो, बाय कर रहे हो। तो अब सॉरी 10L, ठीक है, लाख में आप उसको बाय कर रहे हो 10 मिलियन में। तो अब वो क्या है, आप 10 लाख में उसको बाय करते हो और उस जो कार है ना उसकी जो यूज़फुल लाइफ है वो 10 साल है। ठीक है, 10 लाख में आप बाय कर रहे हो, उसकी यूज़फुल लाइफ जो है वो भी 10 साल है। अब यूज़फुल लाइफ क्या होता है, ये लास्ट लेक्चर में अच्छे से कवर हो चुका है। तो अब क्या होगा, 10 साल के बाद वो जो कार जो होगी वो खटारा हो जाएगी। ठीक है, आपके लिए वो यूज़फुल नहीं होगी। लेकिन 10 साल बाद भी अगर आप उस कार को सेल करना चाहो तो आपकी वो कार कितने, 10,000 में बिक जाएगी, सॉरी 1 लाख में बिक जाएगी। ठीक है, 1 लाख में फिर भी वो आपकी जो कार होगी वो बिक जाएगी। अब कबाड़ कबाड़ में बिकेगी ना वो 1 लाख में, मतलब इंजन जो है उसका या उसके अंदर जो स्टील की बॉडी है, जो उसके विंडोज़ वगैरह हैं, टायर्स हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो यूज़ हो जाएगी, कबाड़ उसमें उसे ले लेंगे। ठीक है, तो फिर भी 10 साल के बाद भी वो आपको क्या दे रही है, 1 लाख दे रही है। लेकिन जब 1 साल में आपने वो कार ली, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2020 में आपने कार ले ली है, तो अब 2020 में उसका रेट था 10 लाख। ठीक है, 10 लाख उसका 2020 में रेट था। लेकिन जब अब 2020 गुजरा, 2021 आया, 2021 में उसका रेट क्या हुआ, कम हो गया। ठीक है, कार का रेट कम हो गया और कितना हो गया, 9 लाख। अब जो कार का रेट है वो रह गया 9 लाख। इसी तरह ही आपकी जितनी भी, अब पहले 10 लाख था ना और अब 9 लाख हो गया, तो इसमें कमी आई, कमी मतलब डेप्रिसिएशन हुई। ठीक है, अगर आपके एसेट में कमी आए तो वो आपकी डेप्रिसिएशन होती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ये है कि आपने इसमें, ये तो कार की एग्जांपल थी, नेक्स्ट आपकी फैक्ट्री में, आपकी कंपनी में कोई भी मशीनरी होती है। ठीक है, आप कंपनी में मशीनरी लेते हो तो मशीनरी का रेट भी क्या होता है, जैसे ये कार का रेट डाउन हो जाता है, इसी तरह मशीनरी का रेट क्या होता है, डाउन हो जाता है। और जब मशीनरी का रेट डाउन होता है तो आपको अपने जो कंपनी के अकाउंट्स होते हैं उनमें उसको अपडेट करना होता है कि पहले इसका रेट 10,000 था 2020 के अकाउंट्स में, अब जो 2021 का अकाउंट आएगा उसमें उसका रेट क्या जाएगा, 9 लाख जाएगा, क्योंकि 1 लाख वो क्या हुआ, उसकी मार्केट प्राइस क्या हुई, डाउन होगी। और इसी तरह आपको अपने अकाउंट्स को, अपनी बुक्स को, सारे जो शेयर होल्डर्स आपके होते हैं, स्टेक होल्डर्स, उनके साथ भी शेयर करना होता है। ठीक है, उन्हें भी टाइम टू टाइम आपने अपडेट करना होता है। अब आते हैं मेथड्स की तरफ। स्ट्रेट लाइन मेथड का क्या मतलब है, स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब है कि जितनी भी कमी हुई है ना इसके रेट में, ठीक है, ये 10 लाख रेट था उसका टोटल, तो अब हर साल उसका इक्वल रेट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इक्वल डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, हर साल इक्वल रेट उसका कम होगा, इक्वल कमी आएगी। फॉर एग्जांपल इसका क्या मतलब है कि 10 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, तो पहले साल उसमें 1 लाख कमी आई, 9 लाख की होगी, दूसरे साल उसमें फिर 1 लाख कमी आई, वो 8 लाख की होगी। ठीक है, अब हर साल ये 10 साल जितने भी हैं, हर साल उसमें क्या होगा, 1-1 लाख की कमी आती जाएगी। ठीक है, इक्वल कमी आएगी इसमें। और इसके फार्मूलाज हम आगे चल के देखते हैं, बल्कि मैं आपको अभी ही ओवरव्यू दे देती हूँ फार्मूला का भी। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट है और ये है यूज़फुल लाइफ। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है हमारी, उसको अगर हम इससे डिवाइड कर दें यूज़फुल लाइफ से, अब डेप्रिशिएबल अमाउंट हमारी क्या होती है, जो टोटल अमाउंट थी हमारी मशीनरी की वो हमारे पास कितनी थी, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख में से हमने उसको माइनस कर देना है जो उसमें कमी हुई है। कमी कितने की हुई है, 1 लाख की हुई है, 50,000 की हुई है, अभी हमने 1 लाख की एग्जांपल लिया है, तो हम उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डेप्रिशिएबल अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड मेथड हमारे पास आता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का अब इसमें क्या मतलब होगा, इसमें हमारे पास रिड्यूस बता रहा है। ठीक है, रिड्यूस का क्या मतलब होता है, कमी होना, कम होना। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम है इसका मेथड का, वही एक्सप्लेन कर रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन में हर साल कमी हो रही है। डेप्रिसिएशन बजाते खुद क्या है, कमी होना, लेकिन अब डेप्रिसिएशन में भी कमी होना, इसका क्या मतलब है। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल से इसको देख लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ये देखें, ये पहले साल जो था,
ठीक है, फर्स्ट ईयर कितना बना हमारे पास 48,000, सेकेंड ईयर क्या बना 9,200, मतलब पहले साल ये था उसका डेप्रिसिएशन जो उसकी हुई, और दूसरे साल क्या हुई उससे भी कम हो गई, उससे गिर गई। अब ये कमी आ रही है ना, जैसे जैसे हम नीचे तीसरे साल के निकालेंगे, चौथे साल के निकालेंगे, तो ये कम होते जाएंगे। अब इसकी जब डेप्रिसिएशन रेट जो है ये कम होता जाएगा, तो इसका मतलब क्या है ये कि ये कौन सा मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है थर्ड, और वो है नंबर ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। नंबर ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड जो है वो भी क्या है, डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, हर साल उसमें भी क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन में हर साल कमी वाकई हो रही है। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं ये वाली, हर साल। अब देखो पहले साल जो था हमारा वो 31,200 था, दूसरे साल हमारा क्या हो गया 23,400, तीसरे साल ये और चौथे साल ये। अब इसमें भी डेप्रिसिएशन रेट में कमी हो रही है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड मेथड हो जाएगा, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास फोर्थ मेथड अगर हम देखें तो वो है हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आउटपुट मेथड। अब जो फोर्थ और फिफ्थ है ना, ये हमारे मेथड डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स पे, और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पे। अब नंबर ऑफ वर्किंग आवर का क्या मतलब है, और ये रैंडम होते हैं। ठीक है, इनकी जो डेप्रिसिएशन होगी हर साल उनकी रैंडम आएगी, और वो जो रैंडम होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, इन पे। अगर यूनिट आवर्स ज्यादा होंगे तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा आएगी, अगर यूनिट आवर्स कम होंगे तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा आएगी। सेम इसी के लिए होगा, अगर वर्किंग आवर्स ज्यादा होंगे तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होगी, अगर वर्किंग आवर कम होंगे तो फिर डेप्रिसिएशन भी क्या होगी, कम होगी। और ये रैंडम होती है, हर साल हम ये नहीं कह सकते कि ये डाउनवर्ड डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये आपने ये जो आगे लिखी हुई है ब्रैकेट्स में चीज़ें, ये आपने याद रखनी है। और यहाँ पे हमारे पास यूनिट आवर्स और वर्किंग आवर, इसकी हम बता देती हूँ कि ये आपको क्या होता है। ठीक है, वर्किंग आवर्स का मतलब ये है कि आपने एक मशीन बाय की, आपने एक मशीन बाय की तो उन्होंने कहा कि अब ये जो मशीन है ना, ये आप जो कंटिन्यूसली है ना, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके वैसे तो यूज़फुल लाइफ भी बता देते हैं। ठीक है, अगर वो यूज़फुल लाइफ नहीं बता रहे, अगर वो सिर्फ वर्किंग आवर बता रहे हैं, तो फिर हम फिफ्थ मेथड अप्लाई करेंगे। वर्किंग आवर्स का वो क्या कह देते हैं, 15,000 घंटे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, 24,000 घंटे कर सकते हैं, 50,000 घंटे, 5,000 घंटे। ठीक है, तो आवर्स में क्या करते हैं, वो डिफाइन कर देते हैं कि ये जो मशीन है इसकी कितनी यूज़फुल लाइफ है। अगर तो वो ईयर्स में डिफाइन करें तो हम ऊपर वाले मेथड लगाते हैं, अगर वो आवर्स में डिफाइन करें तो फिर हम ये फिफ्थ वाला मेथड लगाएंगे। ठीक है, और अगर उसका यूनिट्स भी बताया गया हो कि अब 5,000 जो घंटे हैं वो यूज़ हुए और उसमें उसने इतनी प्रोडक्शन की, ठीक है, मतलब 2,000 पैकेजेस उसने प्रोड्यूस किए या 2,000 यूनिट जो थे मशीन ने वो बनाए, तो हम उसके लिए फोर्थ जो होगा मेथड वो यूज़ करेंगे। अब ये हमने इनमें से डेप्रिसिएशन मेथड तो ये 5 हैं। ठीक है, जब हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल आ जाती है, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर हम उसमें कौन सा मेथड चूज़ करेंगे। ठीक है, मेथड चूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि पैटर्न कौन सा है हमारे पास इकोनॉमिक बेनिफिट का, जो इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे एंटिटी को मिल रहे हैं उसका क्या मेथड क्या अप्लाई हुआ हुआ है। ठीक है, पैटर्न जो भी अप्लाई हुआ होगा उसकी बेस पे हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ये पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, वही जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मतलब नंबर ऑफ आवर्स हों तो ये लास्ट मेथड अप्लाई होंगे। ठीक है, यूनिट्स हों तो ये होगा, और अगर हमारे पास ईयर्स में दिया हो टाइम तो यूज़फुल लाइफ उसकी जो होगी, तो फिर हम थर्ड मेथड अप्लाई करेंगे। इसी तरह ये ऊपर वाले दोनों के लिए भी हम क्या करते हैं, ईयर्स में अप्लाई करते हैं। जो जो चीज़ें इनके फार्मूलाज को देखेंगे, जो जो चीज़ें इनके फार्मूलाज में गिवन होंगी, अगर एग्जाम्पल में आपको वो दी हुई है, तो आप उसमें से क्या करेंगे, वही मेथड जो होगा वो लगा लेंगे। अब हम एक जनरल एग्जाम्पल कर लेते हैं, जनरल एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें सारे के सारे मेथड अप्लाई हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये उन्होंने जनरल एग्जाम्पल दी हुई है जिसमें सारे मेथड अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए इसकी स्टेटमेंट भी लंबी है। वरना आपकी जो स्टेटमेंट आएगी वो, अगर पहला मेथड अप्लाई होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसको रेट कर लेते हैं, मशीन बॉट ऑन दिस, अब ये क्या लिखा हुआ है, 1 जनवरी 2009। ठीक है, ये जो है ये ईयर लिखा हुआ है, फॉर ₹80,000। अब एक मशीन उन्होंने बाय की, कितने की 80,000 की उन्होंने बाय की, और उसकी रेजिडुअल लाइफ कितनी हुई, रेजिडुअल उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 2,000 आती है। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू जो आएगी हमारे पास उसकी आ जाएगी 2,000। तो हमारे पास इसका यूज़फुल लाइफ उन्होंने कितनी बता दी, 4 साल। ठीक है, 4 साल उसकी यूज़फुल लाइफ है, अगर तो स्टेटमेंट सिर्फ इतने तक की हो, और वो हमें कहे कि आप इनमें से कोई मेथड लगाओ, आप कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हो, तो हम इधर से ट्रेड लाइन मेथड इजीली अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इस सिर्फ इतनी स्टेटमेंट में, और हम इसमें सेकेंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस का।
इसमें हम जो है सम ऑफ ईयर्स का भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। पहले तीन मेथड हम सिर्फ इतनी स्टेटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास ये सारी स्टेटमेंट होगी तो हम बाकी के दो मेथड अप्लाई कर सकेंगे, वरना हम अगर सिर्फ इतनी ही एक लाइन दी हो और उन्होंने कहा हो कि मेथड बताओ कौन कौन से अप्लाई होते हैं, ये MCQs में आ सकता है, ठीक है, कि कौन कौन से मेथड अप्लाई होते हैं या कौन कौन से मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, जो मेथड अप्लाई होता है आप उसको इधर फार्मूला में पुट कर दो। तो हम इस पे तीन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जब पूरी स्टेटमेंट होगी उस पे पांच के पांच करेंगे। तो अब ये पहली लाइन तो होगी, फिर सेकंड पे आएगा इट कैन वर्क फॉर 12,000 आवर्स। अब 12 घंटे ये मशीन चली है, ठीक है, अब ये क्या होगा, उसके नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे, टोटल जो होगा वो 12,000 घंटे वो जो होगी मशीन वो चलेगी और प्रोड्यूस क्या करेगी, 40,000 यूनिट्स, 40,000 यूनिट वो टोटल प्रोड्यूस करेगी मशीनरी, ठीक है। तो 12,000 घंटे चलने के बाद और 40,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद मशीन क्या होगी, वो एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है, एक्सपायर हो जाएगी। और फिर जिस तरह वो कार एक्सपायर हुई थी 10 साल के बाद, उसी तरह ये मशीन भी क्या होगी, इतने प्रोडक्शन करने के बाद ये एक्सपायर हो जाएगी और ये सिर्फ कबाड़ में ही बिकेगी, ठीक है, कबाड़ में बिकेगी। तो ये 80,000 की इसकी वर्थ थी, तो ये आपको तकरीबन 4-5 हज़ार तो फिर कबाड़ में भी दे ही देगी, ठीक है, अपनी मतलब यूजफुल लाइफ के बाद भी मिनिमम 4-5 हज़ार देगी, मैक्सिमम भी दे सकती है, ठीक है, मतलब अगर उसकी हालत ज़्यादा बिगड़ी हुई नहीं है तो वो देगी। अब वो क्या कह रहा है कि पहला साल जो था, ठीक है, 2009 में उसने क्या किया, 2,000 उसने आवर्स वर्क किया, ठीक है, अब वर्किंग आवर्स उसके कितने हैं, 2,000 घंटे उसने 2009 में वर्क किया और उसने क्या प्रोड्यूस किया, 7,000 यूनिट उसने प्रोड्यूस की है। अब अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें तो सेकंड ईयर जो हमारा है उसने उसमें क्या किया, 5,000 घंटे काम किया। अब देखें ये इस घंटे में, पहले साल में उसने ज़्यादा घंटे काम किया, दूसरे साल में उसने कम घंटे, सॉरी पहले साल में उसने कम घंटे काम किया, दूसरे साल में उसने ज़्यादा घंटे काम किया, तो अब इसके जो डेप्रिसिएशन रेट होगा वो भी इन्हीं के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अब हम इस पे पहला मेथड लगा लेते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। पहले हम क्या करेंगे, उसकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो उसकी ये होगी मशीनरी की, ठीक है, और रेजिडुअल कॉस्ट क्या होगी, ये होगी। सबसे पहले आपने जो करना है, पहले तीन मेथड को अप्लाई करते हुए या किसी भी मेथड को अप्लाई करते हुए आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन जो रेट होगा ना, डेप्रिसिएशन अमाउंट, वो आपने क्या कर लेनी है, कैलकुलेट कर लेनी है कि आपकी डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है वो कितनी है, ठीक है। डेप्रिसिएशन अमाउंट आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, ये साथ साथ आप लिखते जाएं, ठीक है, नोट्स पे लिख रहे हैं या जहाँ पे भी लिख रहे हैं साथ साथ नोट डाउन करते जाएं। डेप्रिसिएशन अमाउंट जो होगी वो आप जब टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे रेजिडुअल वैल्यू को, तो आपकी क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन अमाउंट। ये चीज़ जो है ये तो नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन हुई हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होंगी जो नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन नहीं होंगी, तो फिर आपने क्या करना है, उनको नोट डाउन कर लेना है साथ साथ जैसे जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ, ठीक है। अब टोटल कास्ट आ गई मशीन की 80,000 और रेजिडुअल उसकी कास्ट आ गई 2,000, ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दिया तो डेप्रिशिएबल आपकी अमाउंट निकल आई, ठीक है। अब फर्स्ट मेथड जो है स्ट्रेट लाइन मेथड, उसमें आपने क्या करना है, पहले डेप्रिशिएबल जो अमाउंट होगी उसको पुट कर देना है, 78,000 ये आपने पुट कर दिया। फिर यूजफुल लाइफ उसकी कितनी थी, मशीन की जो हमारे पास यूजफुल लाइफ थी वो कितनी थी, 4 साल, ठीक है, ये देखें ये 4 साल थी इसकी यूजफुल लाइफ, तो आपने क्या करना है वहाँ पे 4 लिख देना है सिंपल, ठीक है। जो ईयर्स है ना वो यूजफुल लाइफ हमेशा ईयर्स में ही होगी, तो ईयर्स आप उसको कंसिडर करेंगे कि वो उसका यूनिट है, तो 4 आपने यहाँ पे पुट कर देना है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 19,500, ठीक है। यहाँ पे इसको डिवाइड करके भी देख लेते हैं कि इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो फिर ये आएगा हमारे पास 1900, 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 19,500, ठीक है। अब 19,500 जो होगा ये क्या होगा, ये फर्स्ट ईयर का जो होगा ना वो डेप्रिशिएबल रेट होगा। अब पहले साल का जो डेप्रिशिएबल रेट होगा वो होगा 19,500। अब सेकंड ईयर का हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन मेथड में सारे जो ईयर्स होते हैं उनका डेप्रिसिएशन रेट क्या होता है, वो सेम रहता है। तो अब जब हम सेकंड ईयर पे आएंगे, ये तो हम फर्स्ट ईयर पे आए, ठीक है, और जब हम सेकंड ईयर पे आएंगे तो उसका हम डेप्रिशिएबल रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, उसका भी हम डेप्रिशिएबल रेट ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करेंगे, डेप्रिशिएबल अमाउंट लेंगे, डेप्रिशिएबल अमाउंट उसकी कितनी होगी हमारे पास, ये सेम रहेगी, ठीक है, डेप्रिशिएबल अमाउंट चेंज नहीं होगी। इसको डिवाइड कर देंगे यूजफुल लाइफ से, यूजफुल लाइफ से डिवाइड करेंगे तो वापस हमारे पास सेकंड ईयर का क्या निकल आएगा, 19,500, और ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो आप रिजल्ट देख रहे हैं ये सेम है, ठीक है। जो बात की थी पहले वाली स्लाइड में कि इक्वल होना चाहिए डेप्रिसिएशन रेट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेप्रिसिएशन रेट जो है वो इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इक्वल होना चाहिए डेप्रिसिएशन हर ईयर, ठीक है,
हर साल, तो ये हमारे पास पहले साल का भी वही था और दूसरे साल का भी वही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड हमारा ऐसे हो गया। अब हम सेकंड मेथड की तरफ आते हैं। सेकंड मेथड हमारा पास क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। इसका हमें पता है कि पहले साल की जितनी भी डेप्रिसिएशन रेट बनेगा हमारे पास, दूसरे साल उससे कम आएगा, ठीक है। फार्मूला इसका आपने ये ले लेना है, फार्मूले को आपने एज इट इज अंडरस्टैंड कर लेना है। वन माइनस, अब एन क्या है, एन हमारे पास यूजफुल लाइफ है, ठीक है। यूजफुल लाइफ यहाँ पे कितनी है, चार साल, तो यहाँ पे एन हमारा कितना आ जाएगा, फोर। और रेजिडुअल लाइफ हमारे पास कितनी है, 2000, ठीक है, सॉरी रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू 2000 है, तो यहाँ पे हमारे पास 2000 आ जाएगा। ये यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। 2000 टोटल कास्ट हमारे पास कितनी थी, 80,000। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल को 100 से, मल्टीप्लाई जब 100 से करेंगे तो ये हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू आएगी, ठीक है। आपने किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करना हो तो आप उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं ना 100 से, तो एज इट इज हम इसी को भी जब मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज यूनिट में आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हमने ये फार्मूला लगाया, इसको ये फाइंड आउट हो गया, अब हम फर्स्ट ईयर का करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर का था उसकी टोटल जो कॉस्ट थी हमारे पास वो 80,000 थी, ठीक है। पहले साल हमने क्या किया, ये टोटल कॉस्ट, ये इसका फार्मूला है, ठीक है, टोटल कॉस्ट, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इससे, ये वाली चीज़ से, ठीक है। यहाँ पे जितना भी हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस आएगा परसेंटेज में, उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये परसेंटेज में कंसीडर कर लें कि ये परसेंटेज है, ठीक है, अगर चाहिए लग नहीं रहा लेकिन आप कंसीडर कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, जब इसको टोटल कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज से, तो हमारे पास क्या निकल आएगी, फर्स्ट ईयर की जो डेप्रिसिएशन रेट होगा वो हमारे पास वो निकल आएगा, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन रेट जो था ये तो था फर्स्ट ईयर का, अब सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन रेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इसको देखें, पहले साल हमने उस मशीन को चलाया तो उसमें हमारे पास इतनी प्राइस क्या हुई, उस मशीन की डाउन होगी, ठीक है। तो अब दूसरे साल में उसकी टोटल प्राइस क्या होगी, ठीक है, उस मशीन की जो हमारे पास टोटल प्राइस है दूसरे साल की वो क्या होगी, वो हम क्या करेंगे, 80,000 उसकी थी पहले साल प्राइस, ठीक है, 80,000 माइनस कर देंगे हम दूसरे साल जितनी भी उसमें कमी आई है ना, उसको कमी 48,000 की आई है तो माइनस कर देंगे, तो ये बनेगा 32,000। अब जो दूसरे साल उसकी टोटल कास्ट होगी ना, वो हमारे पास 32,000 होगी, ठीक है। दूसरे साल उसकी जो भी टोटल कास्ट होगी वो 32,000 होगी, और हम मल्टीप्लाई उसको कर देंगे एज इट इज 60 से, ठीक है। टोटल कॉस्ट उसकी वही रहेगी, क्योंकि मशीनरी जितनी हमने कॉस्ट में बाय की थी हम उतनी में 80,000 में बाय की थी, तो 80,000 ही रहेगी। यहाँ पे हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगी वो जो उसकी पर ईयर चेंज हो रही है, ठीक है। पहले साल उसकी जो वर्थ थी, मार्केट प्राइस, वो हमारे पास 80,000 थी, और सेकेंड ईयर उसकी कितनी बनी, 32,000। क्यों, क्योंकि उसमें इतने की क्या आ गई, कमी बाकी होगी, ठीक है। अब सेकेंड ईयर जो भी, अब इसका हम रिजल्ट इसका फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये क्या होगा। तो इसको हम देख लेते हैं कि जब हम 32,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 60% से, यहाँ पे 60% का साइन नहीं है, आपके कैलकुलेटर पे होगा, तो आप उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट परसेंटेज कर दें, 60 के आगे परसेंटेज लिख दें, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास कैलकुलेटर में नहीं है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो परसेंटेज होता है वो 1/100 के इक्वल होता है, ठीक है। ये जो परसेंटेज का साइन है ये इक्वल होता है हमारे पास 1/100 के। तो ये 19,200 जो आएगा ये हमारे पास सेकंड ईयर का आएगा। अब आप नोट कर रहे होंगे कि ये फर्स्ट ईयर का हमारे पास ये था, सेकंड ईयर का हमारे पास ये आया। अगर आप यहाँ पे थर्ड ईयर का भी फाइंड आउट करें ना, तो वो 19,200 से कम आएगा, ठीक है। और ये डाउन द वर्ड क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे वैसे वैसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होगा, आपको डिक्रीजिंग अमाउंट में क्या देता जाएगा, डेप्रिसिएशन रेट, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है सर्विस और मेथड। अब सर्विस और हमारे पास क्या है, ठीक है, ये वैसे हमारे पास सर्विस और, एक सेकेंड, हमने इसको थर्ड पे सम ऑफ ईयर्स को पढ़ा था, और यहाँ पे एग्जांपल में हमारे पास जो है उसने सर्विस और का पूछा हुआ है, तो इसलिए हम थर्ड नंबर पे सर्विस और को ही डिस्कस कर लेते हैं, जो उसने एग्जांपल में पूछा हुआ है, ठीक है, एग्जांपल के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे सर्विस और आएगा थर्ड पे, यहाँ पे क्या आएगा, डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट हमने फर्स्ट में फाइंड करी थी, वो कितनी थी, 78,000 टोटल एस्टिमेटेड। और अब देखें, मैं ना बार बार स्लाइड्स को आगे पीछे नहीं करूँगी, ठीक है। तो आप साथ साथ नोट डाउन कर रहे हैं तो आप पीछे से ही देख लें अपने, जो आपने नोट डाउन किया हुआ है कि डेप्रिशिएबल अमाउंट जो है हमारे पास वो 78,000 आई है, ठीक है। हमने पीछे की थी फर्स्ट वाले में, पहले ही हमने ये काम किया था सारे मेथड्स को स्टार्ट करने से पहले, तो वो हमारे पास आ गई 78,000। अब टोटल एस्टिमेटेड ऑर्स कितने आए हैं,
12,000, ठीक है, 12,000 आवर्स जो थे वो वहाँ पे गिवन थे, ठीक है, गालबन 4,000 प्रोडक्शन यूनिट थे और 12,000 आवर्स थे. अब 12,000 आवर्स जो हैं वो हम उतने ही लिख देंगे, ठीक है, इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पर आवर. अब पर आवर कितना होगा, 6.50 उसका रेट, ठीक है, लेकिन पहले साल उसने क्या किया था, 2,000 आवर उसने वर्क किया था, वर्किंग आवर उसके 2,000 बन रहे थे और दूसरे साल उसके 5,000 बन रहे थे, ठीक है. ये मैं आपको एग्जांपल से अगेन दिखा देती हूँ कि पहले साल हमारे जो बन रहे थे वर्किंग आवर वो 2,000 बन रहे थे और दूसरे साल 5,000 बन रहे थे, ठीक है. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2,000 और 5,000, और इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे 6.50 से. जो हमारे पास इतना यहाँ पे आएगा ना पर आवर का रेट, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्किंग आवर, इसका जो फार्मूला होगा वो आएगा वर्किंग आवर मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले फार्मूले से, ठीक है. ये पूरी की पूरी ये जो चीज़ होगी ना, इसको वन कह देती हूँ, तो ये यहाँ पे आ जाएगी वन, ठीक है. वर्किंग आवर को पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो वो इसको जब डिवाइड करेंगे पहले तो ये आ जाएगा, फिर डिवाइड करके, क्योंकि बेडमॉस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पहले डिवीजन करते हैं और फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा. अब दूसरे साल का आपके पास ये आ गया, ठीक है. अब आप नोट करेंगे पहले साल का ये आया, दूसरे साल का ज़्यादा हो गया. लेकिन अगर हम तीसरे साल का भी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, हम खुद से ही सपोज कर लेते हैं कि तीसरे साल जो मशीनरी ने वर्क किया वो 3,000 आवर्स किया, ठीक है. पहले साल उसने 2,000 घंटे काम किया, दूसरे साल उसने 5,000 घंटे काम किया, तीसरे साल उसने 3,000 घंटे किया. ये हम खुद से सपोज कर रहे हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 6.50 से. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 19,500 आ रहा है, ठीक है. अब ये आप यहाँ पे नोट करें, ये पहले कम थी प्राइस, फिर ज़्यादा होगी और फिर कम होगी. हमने थर्ड मेथड में यही चीज़ पढ़ी थी ना, ये हमारे पास फिफ्थ मेथड था, और फिफ्थ मेथड में हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि वहाँ पे रैंडम डेप्रिसिएशन होगी. यहाँ पे ये हमारे पास रैंडम डेप्रिसिएशन है, ठीक है. हर साल आपकी किस पे डिपेंड कर रही है, वो वर्किंग आवर पे आपकी डेप्रिसिएशन रेट डिपेंड कर रहा है. फोर्थ हमारे पास जो मेथड होगा वो यूनिट पे डिपेंड करेगा. तो यूनिट हमारे पास कितने हो जाएंगे, पहले डेप्रिसिएबल अमाउंट एज इट इज, ठीक है, 78,000 तो था, और यूनिट हमारे पास कितने डिफाइन थे, 40,000, वो इधर आ जाएंगे. और यहाँ पे हमारे पास ये पर यूनिट निकल आया. सेम उसी तरह हम करेंगे, ठीक है. पहले साल हमने कितने यूनिट किए प्रोड्यूस, 7,000, और दूसरे साल हमने कितने किए, 15,000, और मल्टीप्लाई हमने कर दिया 1.95 से. इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आ गया. यहाँ पे भी हम फिर खुद से कंसीडर कर लेते हैं कि तीसरे साल हमने कितने प्रोड्यूस किए यूनिट, 8,000. तीसरे साल हमने 8,000 प्रोड्यूस किए, ओह सॉरी 8,000, ठीक है, 8,000 प्रोड्यूस किए, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.95 से, और ये हमारे पास आ जाएगा. ओहो यहाँ पे मिस्टेक होगी, तो इसको अगेन कर लेते हैं. 8,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.95 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15,600. ये आप नोट करें, ये कम है, ये प्राइस उससे ज़्यादा हुई, और ये फिर कम होगी, ठीक है. फोर्थ का भी हमने यही पढ़ा था ना कि वो रैंडम होगा, जो यूनिट होंगे हमारे पास वो क्या होंगे, रैंडम आएंगे. तो अब ये यूनिट हमारे पास क्या आए हैं, रैंडम आए हैं. फिफ्थ हमारे पास आ जाता है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड. फिर यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ईयर आ जाता है हमारे पास. इसका जो फार्मूला होता है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो आप इसको नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक्स पे, ठीक है. डेप्रिशिएबल अमाउंट, उसको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं रिमेनिंग लाइफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ईयर्स दिस वन, ठीक है. ये जैसे भी इधर से लिखा गया है जैसे तैसे, तो इसको आप नोट डाउन कर लें, ठीक है. यहाँ पे ये जो थर्ड वाला हमारा मेथड है, फिफ्थ सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, इसका हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है. तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, फर्स्ट ईयर जो हमारा आया, ठीक है, पहले साल 4 साल उसकी लाइफ थी ना, तो पहले साल हम 4 के 4 साल को देखेंगे, लेकिन पहले से ही शुरू करेंगे. पहले साल हमारे पास क्या आएगा, उसका डेप्रिसिएशन जो हमारे पास अमाउंट होगी, डेप्रिशिएबल अमाउंट, ठीक है, डेप्रिशिएबल अमाउंट का स्पेलिंग ये लिखे हुए हैं, यहाँ से आप नोट डाउन कर लें. डेप्रिशिएबल अमाउंट जो होगी हमारे पास वो 78,000 आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 4. अब रिमेनिंग लाइफ पहले साल है, तो पहले साल तो उसकी 4 के 4 साल लाइफ जो है वो पड़ी हुई है, ठीक है. रिमेनिंग ईयर क्या आ जाएगा, रिमेनिंग लाइफ 4, और यहाँ पे 10, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ईयर्स,
ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास कितने हैं, फोर, फोर लाइफ है इसकी, तो हम क्या करेंगे, फोर प्लस, फोर में प्लस क्या करेंगे थ्री, ठीक है, थ्री में प्लस क्या करेंगे टू, और टू में प्लस क्या करेंगे वन, ठीक है, और ये हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा टेन, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे टेन से, ठीक है। ये अब आपको ये चीज़ समझ आ गई, ये टेन कहाँ से आया। और इसी तरह अगर हमारे पास दस साल हो लाइफ, तो हम क्या करेंगे, टेन प्लस नाइन प्लस एट प्लस सेवन प्लस सो ऑन, ठीक है, इसको प्लस करते जाएंगे और फिर क्या करेंगे, प्लस लास्ट पे आके प्लस वन, और वो जितना भी इक्वल होगा हम उसकी लाइफ लेंगे, ठीक है। कोई भी एग्जांपल आ सकती है। अब इसमें हमारे पास फोर ईयर लाइफ है, तो हम फोर ईयर को फोर से नीचे हमारे जितने भी डाउन होंगे डिजिट्स उनको प्लस करके, और ये हमारे पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, टेन। इसको हमने टेन से डिवाइड कर दिया, और इसको अब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास ये चीज बनेगी, ठीक है, 31,200। सेकेंड ईयर, अब हम सेकेंड ईयर पे आए, तो सेकेंड ईयर में हमारे पास रिमेनिंग लाइफ सिर्फ चेंज होगी, बाकी सारी चीज़ें वो रहेंगी। रिमेनिंग लाइफ कैसे चेंज होगी कि एक साल तो हमारा गुजर गया, ठीक है, टोटल हमारे पास कितनी लाइफ थी, फोर ईयर। अब एक साल हमारा गुजर गया तो हमारी कितनी लाइफ बनी, थ्री ईयर, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये थ्री आ जाएगा। उसी तरह बाकी सारी चीज़ें आपने खुद फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है, कैलकुलेशन है सिंपल, ये आप कर लेंगे। तो थर्ड ईयर क्या हुआ हमारे पास, थर्ड ईयर में फोर माइनस टू आ जाएगा इधर, फोर माइनस टू, तो उसके हमारे पास कितने होंगे, क्योंकि दो साल गुजर गए, तो माइनस टू, फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू। और लास्ट ईयर में हमारे पास क्या आएगा, फोर, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फोर उसकी लाइफ आ जाएगी, और गुजर कितने गए, तीन ईयर, तीन साल गुजर गए ना, तो इक्वल टू थ्री इक्वल टू वन, ठीक है, लाइफ उसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी रहेगी, वन। इस तरह रिमेनिंग लाइफ आपने फाइंड आउट कर लेनी है, और ये सिंपल सारी कैलकुलेशन आपकी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये डाउनवर्ड क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन रेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड डेप्रिसिएशन रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, और यही हमने थर्ड मेथड में पढ़ा था कि हमारे पास जो डाउनवर्ड डेप्रिसिएशन रेट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, हर साल का डेप्रिसिएशन रेट कम होता जाएगा। आज का लेक्चर आपका इतना ही है स्टूडेंट्स, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ आई है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ इस लेक्चर को क्या कर देना है, लाइक कर देना है, ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। और अगर आपको समझ नहीं आ रही, आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल नहीं था, तो आप उसको वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, अनलाइक करें या लाइक करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने स्टूडेंट्स को समझ आ रही है, कितने को नहीं आ रही। आप क्या करते हैं, आते हैं लेक्चर लेते हैं और फिर चले जाते हैं, ऐसे मुझे समझ नहीं आती। चले, लाइव बंदा पढ़ा रहा हो ना, तो फिर लाइव से पता चलता रहता है शक्लें देख के कि इस बच्चे को समझ आ रही है, इसको नहीं आ रही, तो आपको फिर समझ नहीं आ रही, तो आप क्या करें, कमेंट में मुझसे पूछ लें जो भी आपका क्वेश्चन है, या फिर वीडियो को अनलाइक करें, ताकि मुझे समझ आती रहे कि इतने बच्चों को समझ नहीं आ रही और मुझे अपने लेक्चर में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और पेपर्स की अच्छे से प्रिपरेशन करें, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।